अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से खुश और आबाद रखे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो मेरा अपना रिजल्ट है। सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस इट। मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर्स पे 24 आवर्स के लिए कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ और देन आई विल चेक द रिज़ल्ट्स कि कैसे मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने लाइव रिज़ल्ट शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी गुजारिश करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ और आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले नारियल के तेल की बात कही जाए तो नारियल का तेल जो है वो बालों को, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, ग्लोसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। अच्छा जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो होता है ना नारियल का तेल, मैं अपनी हर जो भी लॉन्ग हेयर रेमेडी होती है ना उसमें कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा नारियल का तेल जो है ना वो ज़रूर ऐड करवाऊँ, क्योंकि मतलब नारियल का तेल जो है वो इस कदर फ़ायदेमंद है, इस कदर बेनिफिशियल है हेयर्स के लिए कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो मतलब आप ख़ुद सोचें कि फिर ये कितना अकेला कितना मैजिकल होगा। आप पता है क्या करें, मतलब आप घर में लाजमी तौर पर नारियल का तेल जो है ना उसे रखें। अगर आपके स्किन पर कहीं पर भी बर्न हो गया है, कहीं जल गया है, या फिर इवन के पिगमेंटेशन हो गई है, या फिर वैसे भी ना फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, और बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं ना रिंकल्स के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं उसको मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हाँ आइज़ के गिर जो निशान हो जाते हैं रिंकल्स वगैरह उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने आज का पैक जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना क्या करना है, नारियल के तेल को नीम गर्म करना है, ठीक है? इसे चूल्हे पे रखिए, नीम गर्म करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नारियल के तेल को अच्छे से गर्म करना है, नीम गर्म होना चाहिए। फिर उसको जो है ना अपने बालों की रूट्स में अच्छे से ना अप्लाई कर देना है। और अगर आप कोशिश करें कि आपके पास वो नहीं बॉटल होती है जिससे मतलब बालों में हम अप्लाई करते हैं लिक्विड वगैरह, अगर वो है तो वो ले लें, नहीं तो पुराने ज़माने में तो जो है ना नॉर्मली हाथों पर लगा के और अच्छे से बालों में अंदर हाथ करके मसाज किया जाता था। ये इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इफ़ेक्टिव है कि आपको आपकी सोच भी नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है ना अपना नारियल के तेल के साथ ये क्या करें कि अब मतलब जब रात को लेटे ना तो अपने बालों को नीचे की तरफ यूं कर लिया करें, और उसके उससे ये होता है ना आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, उस वो भी आपके हेयर्स की ग्रोथ में इजाफा करती है। आपने जो है ना इस रेमेडी को 2 से 3 वीक्स लाजमी ट्राई करना है, उसके बाद आपको खुद ही इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में आके लिख के जाइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला है, ठीक है? और अब मैं अपनी कुछ पर्सनल टिप देती हूँ। आपने ना कैस्टर ऑयल जो है वो थोड़ा सा लेके वो नारियल के तेल में ऐड करना है, ठीक है? जो मेरा मोस्ट 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 फेवरेट ऑयल है, ठीक है? और आपने इसको जो है ना बराबर मिकदार में, मतलब अगर 2 चम्मच नारियल का तेल है तो आपने 2 चम्मच ही कैस्टर ऑयल लेना है, ठीक है? तो आपने इसको अच्छे से पेस्ट तैयार कर मतलब रेडी करना है, और बाद में आपने इसको अपने ना बालों में अप्लाई कर देना है। इसको लगा रहने दें ओवरनाइट, उसके बाद सुबह उठ के आप जैसे भी हेयर वॉश कर लें तो इससे जो है ना आपके जो बाल हैं एक तो मजबूत होंगे, जो होता है ना कि हम कॉम्ब करते हैं उसमें इतने इतने गुच्छे इतने इतने ज़्यादा बाल उतर रहे होते हैं वो कम हो जाएंगे, बाकी बाद में क्या कहते हैं लेंथ में इजाफा होगा और शाइनिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे आपके बाल। कोई ग्लोसिंग वगैरह ट्रीटमेंट करवाने की, सैलून जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 3। अच्छा, आपने इसके लिए क्या करना है, आपने लेमन जूस लेना है और उसको अपने बालों के रूट्स में अप्लाई करना है। ये खुश्की के लिए, सिकरी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद ना नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने नारियल का तेल अप्लाई करना है, मतलब इसी तरह से करना है। तो इससे जो होगा ना आपको मतलब डबल रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे कि मतलब एक दिन आप वो अप्लाई कर रही हैं एक दिन वो अप्लाई कर रही हैं। आप अपनी आसानी के लिए ऐसे भी कर सकती हैं ना कि जैसे अगर आप वीक में 3 दफ़ा कर रही हैं नारियल का तेल अप्लाई, या 2 दफ़ा नारियल का तेल अप्लाई कर लें, 1 दफ़ा जो है ना ये लेमन जूस जो है वो अपने रूट्स में अप्लाई कर लें। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी नानी दादी कहती होती थी हर खट्टी या कड़वी चीज़ से जो है ना बाल लंबे होते हैं।